प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, जिनको कराने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जो लोग नए हैं ये उनके लिए है, ठीक है, कि उनको बिल्कुल थोड़ा कनेक्ट कर सके लेक्चर को कि पिछला लेक्चर कैसे था और आज कौन सा चल रहा है। तो दोज प्रोसेस या फिर यू कैन से रिएक्शन विच आर ड्राइवन बाई इट सेल्फ का मतलब उनको किसी के कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद होते हैं, ठीक है ना। इसके अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसमें हो जाएगा नेचुरल प्रोसेस। हाँ जी, तो सारे जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं बेटा जी, वो तो खुद ब खुद ही होते हैं ना, हम तो उनको कराते नहीं है। सारे नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं, खुद ब खुद होते हैं। अब अगर मैं बात करूं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं दोज प्रोसेस या फिर रिएक्शन विच आर ड्राइवन बाई एक्सटर्नल फोर्स। जिसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस, जो खुद ब खुद नहीं हो, जिसको हम कराते हैं। जैसे लेबोरेटरी में हम अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, पर्टिकुलर प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, और फिर कैटलिस्ट की जरूरत होती है तो कैटलिस्ट भी देते हैं। तो वो रिएक्शन को हम एक पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड करा के कराते हैं, वो खुद ब खुद नहीं होता है, ठीक है। फिर जो हमने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फॉर एनी एनी नहीं चलो फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही लिख देती हूं मैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लीड्स टू इंक्रीज इन एंट्रोपी, लीड्स टू इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया और उस टर्म का नाम है एंट्रोपी। क्या नाम है, एंट्रोपी। ये क्या कह रहा था सर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कह रहा था कि अजी जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं जी, जितने भी स्पॉन्टेनियस यानी कि जो अपने आप हो रहे हैं, उसका उस सारे प्रोसेस में जो सिस्टम की एंट्रोपी होगी वो हमेशा बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। अब कोई बच्चा पूछे मैडम ये एंट्रोपी क्या होता है, तो बेटा एंट्रोपी एक ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो कि किसको मेजर करती है, रैंडमनेस को। सो इट मेजर रैंडमनेस, या फिर हम कह सकते हैं डिस ऑर्डरनेस, ठीक है, या तो वो रैंडमनेस को मेजर करेगी और डिसऑर्डरनेस, दोनों ही सेम चीज होती है। अब इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये सॉलिड के मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास है लिक्विड, ठीक है, और ये जी हमारे गैस है, ठीक है। अगर मैं पैटर्न की बात करूं, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, तो बेटा जी किसमें ऑर्डर ज्यादा होगा, तो ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल को देखेंगे तो हम इनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, हम डिफाइन भी करते हैं कि दे हैव पर्टिकुलर अरेंजमेंट, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर मिलता है, ये क्या है, सॉलिड है। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में ऑर्डर होता है लेकिन लेस ऑर्डर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, लेस ऑर्डर्ड होते हैं, और इसमें तो बिल्कुल ही कोई ऑर्डर नहीं होता है, ये मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा रैंडम होता है। तो एंट्रोपी किसको मेजर कर रहा है, एंट्रोपी मेजर कर रहा है रैंडमनेस को, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो किसमें सबसे ज्यादा रैंडमनेस होगी, तो आप बताओगे जी कि रैंडमनेस सबसे ज्यादा कितने होगी, गैस में, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में, ठीक है। एंट्रोपी क्लियर हुआ। एंट्रोपी का जो होता है वो
फॉर्मूला क्या होता है? तो चेंज इन एंट्रोपी, किसी भी सिस्टम की चेंज जो एंट्रोपी होगी वो होती है क्यू डिवाइडेड बाई टी, और ये टी जो होगा वो टेम्परेचर होगा किसमें, कैल्विन में, और ये क्यू क्या होता है, हीट होता है। इसको हम डेल्टा एच से भी यानी चेंज इन एंथैल्पी से भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट जो हो जाता है इसका यूनिट हो जाता है जूल पर कैल्विन पर, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चा पार्टी, यहां तक क्लियर है? जो लोग नए हैं उनको ज्यादा समझने की जरूरत है, जो लोग पढ़ चुके हैं वो तो ठीक है। आफरीना, आफरीना और कौन था, दीपाली, यस। तो ये आपको क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो एंट्रोपी किसको मेजर करता है, रैंडमनेस को मेजर करता है। जो जिस सिस्टम में जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी वो उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। दीप्ति आप भी नए हो, ठीक है। तो ठीक है, ये नए बच्चों के लिए ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया पिछले क्लास का, ये क्लियर है। चलो आगे चलेंगे। अब आजाद बोल रहे थे ना कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई थी जो एंट्रोपी चेंज होता है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे समझाती हूँ थोड़ा, उसके बाद इसको मैं डिस्कस करूंगी। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस, तो हमारा क्या फॉर्मूला निकला था बच्चा, जिसने क्लास ली होगी उनको पता होगा कि हमारा जो फॉर्मूला निकला था वो निकला था एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकला था। अब हमने आपको बताया था कि जब एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं बेस 10, तो हम क्या करते हैं, ये भी बताया था, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें इस एल एन को किस में कन्वर्ट करना है, लॉग में। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा 2.303 एन सी वी, अब ये लॉग हो गया टी टू बाई टी वन प्लस 2.303 ये एन आर हो गया, और ये अब लॉग हो गया क्या हो गया, वी टू बाई वी। तो ये होता है एंट्रोपी चेंज फॉर द आइडियल गैस, ये वाला क्लियर हुआ, ये कल कराया था ये वाला, स्वाति ये वाला रिपीट करना है। इसमें देखो क्या है, ये एक फॉर्मूला था जो मैंने पिछली क्लास में डिराइव किया था, आज तो डिराइव नहीं कर सकती हूं मैं, टाइम नहीं अलाउ करेगा, लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि जो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था, डेरिवेशन तो आपसे भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो आता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। टी टू बाई टी वन क्या है जी, तो ये है टेम्परेचर, वी टू बाई वी वन क्या है जी, तो ये है वॉल्यूम, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, और ये सी वी क्या है हीट कैपेसिटी है, ठीक है स्वाति। ठीक है, अब मैंने दूसरा स्टेप में क्या किया कि इस एल एन को जो है हमने, हाँ बट, यस बट बताइए, कल फिजिक्स की क्लास थी आपकी, क्लास कल नहीं थी, 15 है ना, हाँ कल थी तो आपकी क्लास। बच्चे आए भी थे ना, कल थी आपकी क्लास बेटा, हाँ कल थी, फिजिक्स की भी होगी, टाइमिंग अलग होगा ना, हाँ श्रेया बता रही है फिजिक्स की बाद में हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि एलएन को चेंज किया लॉग में, स्वाति टाइम टेबल में भेज देती हूँ ग्रुप में, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लॉग में चेंज किया तो मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर हम बात करें एक, फिर मैंने आपको बताया था वहीं पे कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होगा, ठीक है, अभी फिर से बताऊंगी, लेकिन
आजाद ने बोला मुझे वो समझ नहीं आया था। तो अगर इसी केस के लिए मैं बताऊं कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होगी, तो बेटा जी आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, तो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया यानी कि टी वन इज इक्वल टू टी टू हो जाएगा। आजाद बताओ, आजाद टी वन इज इक्वल टू टी टू हो जाएगा। अब कहा जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो टी वन इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू, सपोज करो हमने ले लिया टी, अब लॉग टी टू बाय टी वन के जगह पे हम लिख देंगे लॉग टी बाय टी। लॉग टी बाय टी मतलब लॉग वन, और लॉग वन की वैल्यू जो होती है बेटा जी वो जीरो होती है। तो जब जीरो होगी तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में। तो जो हमारा एंट्रोपी चेंज आएगा, एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा जीरो, तो ये हमारा आएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग वी टू बाई वी। क्लियर है? बोलो क्लियर है ना, ये वाला समझ आया आजाद? ठीक है, अब हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा एंट्रोपी चेंज क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा जी जब भी हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं बच्चों, तो हम बताते हैं कि जो हीट एक्सचेंज होता है, हीट एक्सचेंज वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एंट्रोपी की बात करें, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी, तो यहाँ पे क्यू ही जीरो है तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, जीरो हो जाएगा ना। इसका मतलब ये जो प्रोसेस होगा इसमें क्या होगा, एंट्रोपी इज कॉन्स्टेंट। आइडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों कॉन्स्टेंट होगी, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी। क्यों चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी, क्योंकि जो हीट का एक्सचेंज होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा है ना आपने कि हीट का एक्सचेंज ही नहीं होता है, तो हीट का एक्सचेंज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जब क्यू ही जीरो हो जाएगा तो क्या डेल्टा एस की कोई वैल्यू आएगी? हाँ बोलो। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, जब हमारा एंट्रोपी कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। जैसे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, वैसे ही ये प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल। क्लियर है एडियाबेटिक प्रोसेस, क्लियर है? ठीक है, सारे लोग एक बार बता दो। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो स्पेशल केस, अगेन यही वाला केस, इसी फॉर्मूले को लेंगे और इसके डिफरेंट डिफरेंट केस को हम सॉल्व करेंगे। ये वाली चीज मैं यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने लिख लिया, डेल्टा एस इज इक्वल टू, डेल्टा एस फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू 2.303 एन सी वी लॉग टी टू बाय टी वन प्लस 2.303 एन आर लॉग वी टू बाय वी वन। अभी मैंने फर्स्ट केस आपसे डिस्कस कर दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टी वन इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू टी, तो जो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग वी टू बाई वी, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ सारे के सारे, व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? आजाद पी नहीं, वी कांस्टेंट। कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, वी कांस्टेंट, वेरी गुड, ठीक है। तो आइसोकोरिक होता है जहां वी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि हमारा v v2 इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू v लेंगे, ठीक है।
तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लॉग वी बाई वी तो लॉग वन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो, यानी ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, जीरो, तो जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस होगा एट आइसोकोरिक प्रोसेस इज 2.303 एन सी वी लॉग टी टू बाई टी। हाँ जी, आइसोकोरिक का क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलो अब हम बात करेंगे आइसोबेरिक। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे प्रेशर का तो कहीं जिक्र है ही नहीं, आइसोबेरिक प्रोसेस कैसे लाएंगे, तो हम लाते हैं ना प्रेशर का जिक्र, हम करते हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है, हम करेंगे प्रेशर का जिक्र। हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो थी डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी वी लॉग टी टू बाई टी वन, ठीक है, प्लस 2.303 एन आर लॉग वी टू बाई वी वन। हाँ जी, बॉयल्स लॉ किसी ने पढ़ा है, सब नहीं पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है जी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं पी वन बाई पी टू लिखूंगी तो ये हो जाएगा वी टू बाई वी वन के इक्वल। तो क्या मैं इस वी टू बाई वी वन को इक्वेट कर सकती हूँ पी वन बाई पी टू की जगह, पी टू के साथ? तो बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे जो डेल्टा एस हो जाएगा वो हो जाएगा 2.303 एन सी वी लॉग टी टू बाई टी वन प्लस 2.303 एन आर लॉग पी वन बाई पी टू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वी टू बाई वी वन लिखा है। ये क्लियर है कि नहीं, किसी को डाउट हो तो अभी बताओ, ये क्लियर है कि नहीं, कैसे मैंने वी वन वी टू बाई वी वन को पी वन बाई पी टू से लिखा? ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो दूसरा प्रोसेस है वो है आइसो, तीसरा आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में बेटा जी पी कांस्टेंट होता है, तो पी कांस्टेंट होगा यानी पी वन बाई पी टू, पी वन इज इक्वल टू पी टू, पी वन इज इक्वल टू पी टू होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे ये मैंने जीरो करवाया है ना, सेम जीरो। और हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन, अब सी वी जो हो जाएगा ना उसको हम सीपी लिख देंगे लॉग टी टू बाई टी वन। सीपी क्यों लिखेंगे, क्योंकि सीपी को जब हम हीट हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीपी। सीपी इज हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये एक्सप्रेशंस आपको क्लियर हुए, कौन कौन से प्रोसेस हमने डिस्कस किया, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबेरिक। कृष्णा, हाँ जी, कोई डाउट है या अभी? हाँ जी, तीनों प्रोसेस क्लियर हो गया ना, समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चल ठीक है, तो इसी को यहाँ पे ना पीछे ये सब डिराइव किया है, ये आइसोबेरिक प्रोसेस में इन्होंने एन एल एन के फॉर्म में लिखा है, मैंने उसको 2.303 के फॉर्म में लिखा है, ये आइसोकोरिक के फॉर्म है और आइसो थर्मल का कल ही बता दिया था इसलिए इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी। तो ये तीनों प्रोसेस का लगा है, अगर मैं इसको 2.303 वाले फॉर्मेट में लिखूं तो ये हो जाएगा 2.303 एन सी पी लॉग टी टू बाई टी, ठीक है। अगर मैं इसको 2.303 यानी लॉग के फॉर्मेट में लिखूं तो ये हो जाएगा 2.303 एन सी वी लॉग टी टू बाई टी, और इसको लिखूं तो ये हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी वी लॉग टी टू बाई टी, ठीक है बच्चा बाटी। तो ये एंट्रोपी चेंज, हाँ बेटा करूंगी, नोट्स शेयर करूंगी, ग्रुप में पीडीएफ भेज दूंगी।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है ना यहां तक? तो आगे बढ़ेंगे, बताइए। चलो अब हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ठीक है। फेज ट्रांजिशन क्या होता है? फेज का मतलब होता है स्टेट और ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। तो जहां भी स्टेट का चेंज होता है उसको हम बोलते हैं फेज ट्रांजिशन, ठीक है। जहां भी स्टेट का चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेज ट्रांजिशन। सपोज करो हमारे पास सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या लिक्विड से गैस जा रहा है, तो इसको स्टेट चेंज भी बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे फेज ट्रांजिशन। फेज का मतलब स्टेट होता है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है, मतलब इससे रिलेटेड फर्स्ट जो ट्रांजिशन है दैट इज द फ्यूजन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन? तो फ्यूजन को बेटा बोलते हैं हम मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। तो मेल्टिंग में क्या होता है, जो हमारा सॉलिड है उसको जब हम हीट करते हैं तो वो किसमें चेंज हो रहा है? लिक्विड में, ठीक है। हाँ जी बताइए, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो बच्चा पार्टी एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? एक आंसर आया, इंक्रीज। इंक्रीज, बहुत बढ़िया, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो फर्स्ट लाइन लिखी है बिल्कुल करेक्ट है। इट इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड, ठीक है। द एंट्रोपी इंक्रीजेज एज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विथ फेज चेंज। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे इसको बोलते हैं मेल्टिंग, और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन टेम्परेचर या फिर हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इस प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी होगी फ्यूजन की, जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन होगा दैट इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसको क्या कह रहे हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये क्यू के बराबर है, ये क्यू के बराबर है। इसी का एक दूसरा नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हर एक फेज चेंज में, जब भी कोई चेंज होगा, जब भी स्टेट का चेंज होगा, हर एक स्टेट के चेंज में लेटेंट हीट जो होगा अलग अलग होगा। क्या होता है लेटेंट हीट? किसी को कोई आइडिया है? व्हाट इज लेटेंट हीट? किसी को कोई आइडिया है व्हाट इज लेटेंट हीट? देखो जब भी हम कोई फेज चेंज करते हैं ना, तो जब शुरू में क्या करते हैं, हम हीट करते हैं सिस्टम को। तो जब भी हीट करते हैं तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि हम हीट तो करते हैं बट टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ठीक है। और उसी समय फेज चेंज होता है, मतलब लिक्विड से गैस बनेगा या सॉलिड से लिक्विड बनेगा। हम हीट कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं वो एनर्जी जो हम एनर्जी उसको दे रहे हैं वो कहीं तो कहीं यूज हो रही है। तो बेटा जी वो यूज होती है फेज को चेंज कराने में। फेज को चेंज कराने का मतलब होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज हो रही है। किसमें यूज हो रही है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। समझ आया लेटेंट हीट? लेटेंट हीट जो होता है, यस। और एक एक चीज ये भी इसमें लिखना आफरीना, इट इज हिडन हीट, हमें दिखता नहीं है, ठीक है। हमें ये दिखता नहीं है क्योंकि हमारे टेम्परेचर जब थर्मामीटर लगाएंगे ना तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो लेटेंट हीट इज द आरीन, आफरीना नहीं आरीन, ओके ओके आफरीन आफरीन, ठीक है आफरीन। तो लेटेंट हीट जो होता है वो हिडन हीट होता है जो रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है जब हमारा फेज चेंज होता है। तो ये हो गया एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन क्या है जी, तो लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, गैस बनता है, तो इस प्रोसेस को या तो हम कहते हैं वेपराइजेशन या फिर हम इस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग। ठीक है, अभी किस पे होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, क्या बोलते हैं इसको, बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब इस केस में भी क्या होगा, लिक्विड से गैस जा रहा है तो एंट्रोपी हमारी क्या होगी जी, बच्चा पार्टी, इंक्रीज होगी एंट्रोपी। हाँ जी बिल्कुल इंक्रीज होगी, तो इस केस में जो एंट्रोपी का चेंज होगा वेपराइजेशन एस इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एच डिवाइडेड बाई टी। टी भी क्या है जी, बॉइलिंग पॉइंट। अगेन इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एच जो होता है ना वो हीट का ही फॉर्म होता है। ठीक है, जब भी हम डेल्टा एच की बात करते हैं तो डेल्टा एच जो होता है वो हीट का फॉर्म होता है। इंथैल्पी इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्लियर है? लेटेंट हीट, देखो बेटा क्या होता है, जब भी तुम हीट करते हो ना सिस्टम को, किस लिए, जब हमारा टेम्परेचर, जब हमारा स्टेट का चेंज कराते हैं, ठीक है ना, स्टेट का चेंज कराते हैं, यानी लिक्विड से अगर गैस जा रहा है तो हमें हीट करना पड़ेगा। तो जब हम हीट करते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है कि हम शुरू शुरू में जब हीट करते हैं और थर्मामीटर वहां लगा दोगे तो टेम्परेचर थर्मामीटर का बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाने के बाद थर्मामीटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, लेकिन हीटिंग अभी भी हो रही है। ठीक है ना, इसका मतलब जब जो हीट दे रहे हैं वो एनर्जी तो हम दे रहे हैं लेकिन वो थर्मामीटर में दिख नहीं रही है, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, तो वो एनर्जी जा रही है जो भी हमारा स्टेट है जैसे सॉलिड है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज हो रही है। तो जब वो तोड़ने में ही यूज हो रही है तो ना तो वो रिलीज होगी और ना ही वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, मतलब रिलीज और एब्जॉर्ब तो होगी बट वो थर्मामीटर में नहीं दिखेगी, मतलब उसकी रीडिंग थर्मामीटर में नहीं आ दिखेगी क्योंकि वो अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो रही है या फिर अंदर ही अंदर रिलीज हो रही है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रही है, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब जैसे कि रिवर्स प्रोसेस होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उस समय रिलीज होती है। ठीक है, तो ये होता है लेटेंट हीट। उस समय क्या होता है ना कि लेटेंट हीट क्या होता है, हिडन हीट होती है जो हमारे थर्मामीटर में मेजर हम नहीं कर सकते। ठीक है कृष्णा, आगे चले, अब हम कराएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम कराएंगे क्वेश्चन। अच्छा दो कृष्णा, एक यादव है और एक है पाठक। ठीक है चलो, पहला क्वेश्चन, एंट्रोपी चेंज ऑफ, बताओ इसका कौन सा आंसर होगा, तुम्हें रिलेट करना है, जो भी एक्सप्रेशन बताए हैं मैंने उस एक्सप्रेशन से रिलेट करना है। एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय, फटाफट आंसर बताओ सारे लोग चैट बॉक्स में, फटाफट आंसर बताइए सारे लोग चैट बॉक्स में। ए हो, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा। थ्री कैसे हो जाएगा यार, पी कहाँ, किस एक्सप्रेशन में नीचे पी लिखा था, अभी तक इतने एक्सप्रेशन बताए किसमें पी लिखा था, फर्स्ट। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट किया है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। कैसे, देखो हमने बताया था ना वेपराइजेशन में, अभी तो बताया है ये होगा, वेपराइजेशन में ये होता है, क्या होता है डेल्टा, यहाँ वेपराइजेशन नहीं लिखा हुआ है लेकिन हमें तो बताना है, कांस्टेंट प्रेशर है इसका मतलब पी को यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया है, ऐसे लगाने का, सबस्क्रिप्ट में लगाने का मतलब है कि ये टर्म जो है हमारा कांस्टेंट है, इज इक्वल टू ये वेपराइजेशन एच, ये भी पी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टी। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर होगा। भैया कहाँ, ये कहाँ मैंने बताया, यू है, यू है मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये वाला तो होगा नहीं, प्रेशर पे पूछा है, और ये नीचे पी वाला कब बताया मैंने, जिसने ये थर्ड आंसर दिया था ये तो एक्सप्रेशन कहीं डिस्कस ही नहीं हुआ है, देखो हर जगह नीचे टी ही डिस्कस हुआ है, तो अगर उस तरीके से करें तभी ये गलत होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन। चलो सेकेंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन कल भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, आज प्रैक्टिस के लिए डाला है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। कह रहा है व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। एक रिएक्शन दी हुई है आपको, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O गैस। अच्छा जी, इसमें जो ट्रांजिशन वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कल जो बच्चों ने क्लास अटेंड किया था उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया उनको आज मैं बताती हूँ। जब भी किसी रिएक्शन की एंट्रोपी निकालनी होती है ना, जब भी किसी रिएक्शन की एंट्रोपी, तो उस केस में हम लिखते हैं कि एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, आर मीन्स रिएक्शन, इज इक्वल टू सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ये होता है किसी भी रिएक्शन की एंट्रोपी अगर निकाल ली। अब देखो इस रिएक्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ, किस किस की एंट्रोपी दी हुई जी। सबसे पहले पानी की एंट्रोपी दी, देखते हैं तो पानी की कितनी दी हुई है, 68। उसके बाद हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की कितनी दी हुई है, 126.6। उसके बाद दिसी हुई है O2 की, कितनी दी हुई है, 201.20। तो लिखते हैं हम अपने रिएक्शन में डेल्टा आर एस इज इक्वल टू सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट है तो नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 × 68। माइनस इस केस में हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है, 126.6। प्लस ऑक्सीजन का कोर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, 201.20। कैलकुलेशन करके जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है चैट बॉक्स में। नीट PYQE है ये स्वाति, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का था नीट का, ठीक है स्वाति? और कराऊंगी अभी, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ अभी तो शुरू हुआ है, इसका आंसर बताओ। चलो कैलकुलेशन देखते हैं कितना स्ट्रांग है हमारे बच्चों का। चलिए जी, जितना टाइम अलाउ करेगा स्वाति, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसके बाद DPP भी शेयर होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। किसी का आंसर आया आजाद? हिमांशु, अंजलि, कृष्णा, आंसर बताइए। दीपाली, नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक, सारा जोड़ दिया है क्या, ये माइनस का साइन है। प्रियंका, बहुत बढ़िया प्रियंका, आदित्य, बहुत बढ़िया। और लोग आंसर दो, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना भैया, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ही, सारा तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हुए कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जीरो नंबर आएगा, ठीक है? कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। सो करेक्ट आंसर इज -318.4, ठीक है? किलो जूल, किलो नहीं, जूल में दिया है, जूल पर कैल्विन पर मोल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सिमिलर क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कराऊंगी, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दूंगी, H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2HCl, ठीक है? ये भी नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, तो डेल्टा आर एस इज इक्वल टू सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? अब यहाँ पे देखना जी, ये सब कुछ किलो जूल में दिया है और आंसर में हमें जूल लिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, फाइनल आंसर जो भी आपका आएगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे जूल में,
तभी ये आंसर आएगा। ये खुद से करना, ये मैं नहीं करवाऊंगी, ठीक है? कर लोगे ना, बोलो कर लोगे ना? लास्ट वाली जो कैलकुलेशन कराया था, ये वाली? देख लो, हो जाए तो बताना, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और कराऊंगी। हो गया ना? चलो फिर हम कराते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, रिलेटेड है किससे? फेज ट्रांजिशन से। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? फेज ट्रांजिशन से रिलेटेड है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें? ये कह रहे हैं एंट्रोपी चेंज इन अ फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बेटा जी लिक्विड में, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो क्या है? मेल्टिंग है, या फिर इसको बोलेंगे हम फ्यूजन, ठीक है? मेल्टिंग है या फिर हम इसको बोलेंगे फ्यूजन। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था? एंट्रोपी फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाई टीएफ। हाँ जी, टेम्परेचर दिया है हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो 273.27, ये हो जाएगा 300 केल्विन। सिंपल है, फॉर्मूला में रखो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बता चुकी हूँ, उसी को इंथैल्पी बोलते हैं। कितना है? 2930 डिवाइडेड बाई 300। कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 9.77 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर हुआ? हाँ, आदित्य का आंसर आ गया 1। क्लियर है सबको ये? सारे लोग बताओ क्लियर है ये? स्वाति, अभी क्या दिक्कत है? डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना? तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी मेल्टिंग हो रहा है। मेल्टिंग के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एंट्रोपी चेंज ऑफ मेल्टिंग यानी कि फ्यूजन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई द आप बोल सकते हैं फ्यूजन टेम्परेचर, या फिर उसको बोलते हो मेल्टिंग पॉइंट। आप देखते हैं क्वेश्चन ने क्या क्या दिया है। इसको जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, जब मैं पढ़ा रही थी आपको फ्यूजन, तो मैंने बताया था इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू दी हुई है। टेम्परेचर कह रहा है कि इतने टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? केल्विन में। तो 273 से ऐड कर दिया, ये तो पता होगा, तो ये 300 आ गया। अब फॉर्मूले में इसकी वैल्यू भी दी है, इसकी वैल्यू भी दी है, डिवाइड करेंगे तो एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। क्लियर है स्वाति? ठीक है, अब थोड़ा फास्ट चलूंगी, टाइम नहीं है, एक और क्वेश्चन कराना है। ये क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज पॉजिटिव एंट्रोपी। पॉजिटिव एंट्रोपी का मतलब होता है डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, तब होगा पॉजिटिव एंट्रोपी। कब होगा ये? ये तब होगा जब कभी भी सॉलिड या तो लिक्विड में चेंज हो रहा हो, ठीक है, ठीक है, या फिर सॉलिड डायरेक्ट गैस में भी चेंज होगा। दोनों केस में एंट्रोपी बढ़ेगी, या फिर लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तब भी एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है ना? दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा होंगे, इस केस में भी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब मुझे बताओ इन दोनों रिएक्शन में किसमें नंबर ऑफ मोल्स, इन तीनों में बताओ किसमें एंट्रोपी पॉजिटिव हो रही है? आजाद अली, थर्ड, एक आंसर आया है। चलो सारे लोग बताओ किसमें, इस तीन रिएक्शन दी है, ये तीन रिएक्शन में किस किस रिएक्शन में एंट्रोपी पॉजिटिव है? प्रियंका, सेकंड में
स्वाति थर्ड में नहीं है? आदित्य, प्रियंका देखो ना, किसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, किस किस रिएक्शन में बताओ। नंबर ऑफ मोल्स तो काउंट करने आता है ना। तो कि थ्री, चलो मैं बताती हूँ। इस केस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें तो ये लिक्विड फॉर्म है, ये सॉलिड में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। पानी में है, पानी में आयंस मूव करेंगे इजिली। अब ये बन गया सॉलिड, तो सॉलिड में बन गया तो एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, नहीं यानी डेल्टा एस इज लेस देन जीरो, यानी कि हो गया हमारा निगेटिव। इसमें देखो NH4Cl, NH4Cl में रिएक्टेंट के साइड नंबर ऑफ मोल्स एक है और प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, दो हैं। तो इस केस में डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दो है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में चार है, तो यहाँ भी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री। प्रियंका समझ आया? अभी भी किसी को डाउट है? ठीक है, अगला एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एंट्रोपी डिटरमाइन द इफ द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए कल आपको बताया था एक क्राइटेरिया कि डेल्टा एस टोटल, टोटल क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी तब रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर डेल्टा एस टोटल मींस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग लेस देन जीरो है, यानी कि निगेटिव है, तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। इस केस में डेल्टा एस टोटल निकालो जरा, कितना वैल्यू आ रहा है फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में डेल्टा एस टोटल की वैल्यू निकालो, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है। जल्दी कितना आ रहा है, 80। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो पहला वाला रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 30 प्लस 50, ये आ जाएगा 80, मीन्स ये है स्पॉन्टेनियस। इस केस में क्या होगा, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 60 माइनस 85, -25 हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है बेटा? 89 आजाद, 89 तुमने जोड़ दिया। चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम